नमस्ते दोस्तों, पूछे अपना सवाल में आप सभी का स्वागत है मेरे यानी कि अंश कुमार के साथ। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। अगर आपका भी है कोई सवाल तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं गौतम ठाकुर जी से, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, हाँ गौतम ठाकुर जी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। पूछिए अपना सवाल। मैं कहना चाहता था, अभी मैं गुलाब का पौधा लगा सकता हूँ अभी? हाँ, वैसे तो आप देखिए अक्टूबर में भी जो है छटाई जब होती है गुलाब की, तो छटाई करने के बाद उसकी कलमें लगाई जाती हैं, लेकिन फरवरी में भी हम लगा सकते हैं। अभी कोई फूल का जो फूल वाला कोई छोड़ नहीं लगा सकता? नहीं। हाँ देखिए, गेंदा का आप खेती कर सकते हैं इस समय, गुड़ैल के फूल लगा सकते हैं। हाँ, गुलाब। हाँ, और गुलाब भी आप इस समय लगा सकते हैं। उसके बाद आपका रात की रानी इस समय लगा सकते हैं आप। रात की रानी लगा सकते हैं? हाँ, रात की रानी के आप पेड़ लगा दीजिए इस समय तो। बल्कि आप ये देखिए, रात की रानी की फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है जी। और कोई सवाल सर? नहीं नहीं मैडम, बस बस इतना ही सवाल था जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कुलदीप जी से, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो जी, कुलदीप जी बात कर रहे हैं जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। सर आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूछिए अपना सवाल। अभी हमने है ना मिर्ची और टमाटर का हमने है ना और अभी खेत में लगाया है जी, पेड़ लगाए हैं जी। तो उसमें लगाने के कितने दिन तक बाद में, मतलब क्या कोई स्प्रे वगैरह या फिर कोई ऐसा उनको कैल्शियम वगैरह देना है? मतलब टमाटर जो आपने रोपाई की है वो अभी लगाई है, कितने दिन हो गए? अभी लगाए हैं हमें, पाँच दिन हुए हैं सर। पाँच दिन हुए हैं तो देखिए, अभी मल्चिंग के साथ में लगाए हैं। रोपाई से पहले आपने उसमें आपने खाद और खेत में अच्छी तरीके से जो नाइट्रोजन फास्फेट और पोटाश सब आपने डाला ही होगा? जी जी, सब कुछ डाल दिया हमने। हाँ, तो अब इस समय आपको कोई आवश्यकता नहीं है, रोपाई के तुरंत बाद आपने एक सिंचाई करी दी होगी। जी जी जी, कर दी। हाँ, तो अब इस समय कोई और कोई काम करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। जी जी, उसके बाद मतलब 15 दिन। हाँ, भविष्य में 15-20 दिन के बाद अगर आपको कहीं पर भी कोई पत्ती सुकुड़ती हुई या घूमती हुई दिखाई दे जी जी, तो आप जैसे ही आपको एक पौधा भी अगर जरा सा दिखाई देता है कि हमारी पत्ती जो है सिकुड़ रही है और घूम रही है जी जी जी, तो आप तुरंत एक दवा में बता रहा हूँ आपको, मैंगो जेब आप ले लीजिए 3 ml पर लीटर के हिसाब से। यानी आपका अगर 1 हेक्टेयर खेत है तो आप 3 लीटर को 1000 लीटर पानी में घोल करके जी जी जी, और उसका छिड़काव कर देना जी जी, जिससे आपका जो है फिर वो मुझे बीमारी नहीं लगेगी जी। उसके बाद में ये बताना था कि जब उसमें फल लगना शुरू हो जाता है तो उसमें उसके अट्रैक्शन के लिए या ज्यादा अच्छा लाल हो, अच्छा सुंदर दिखे, इसके लिए ऐसा कोई दवाई है? हाँ देखिए, तो ऐसा है कि थोड़ा ब्राइटनेस उसमें आती है पोटाश की वजह से, आपने डाली होगी पोटाश पहले ही। जी जी जी। दूसरा ये है कि फल को जरा और अच्छा बनाने के लिए हमारी मिट्टी में बोरान के होने की आवश्यकता है। बोरान जो है वो फल को बहुत चमकीला बनाता है। उसकी कोई दवाई है क्या? बोरान मतलब ऐसे ही है? बोरान, बोरान मिल, हाँ बोरान जो है ये स्ट्रेस एलिमेंट्स है, और इसको आप बाजार में जब जाएंगे तो बोरेक्स या देहाती भाषा में उसको सुहागा कह के आप मांग सकते हैं। बोरेक्स, बोरेक्स बोलते हैं ना? हाँ, बोरेक्स या सुहागा। सुहागा, हाँ। मिर्ची में जैसे हमारा फल स्टार्ट हो गया लगना, उसके बाद में उसमें उसका अच्छा शेप बनाने के लिए या और कुछ उसके लिए भी है कोई ऐसा? देखिए ऐसा है, मिर्च में आपकी जब मिर्च लग गई है जी, और पौधा पूर्णतया जो है स्वस्थ है जी, तो अब उसमें आपको कोई उसकी आवश्यकता दवाई की नहीं है जी, कोई दवाई की जरूरत नहीं है ना उसमें? हाँ, किसी दवाई की जरूरत नहीं है, पौधा स्वस्थ है और मिर्च लग चुकी है तो।
जी 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 वैसे तो हमने हाइब्रिड भी डाला है पूरा, और अच्छी क्वालिटी डाला है हमने। एक तो हमने डाला है कोरिया लो, और दूसरा डाला है NU04, हमने बैंगलोर से थोड़ा सप्लाई किया था। हाँ तो उसके अच्छा बीज डाला हमने। अच्छा ठीक है, देखिए मैं आपके लिए भविष्य के लिए भी, और जब बीज की बात आप कह रहे हैं तो आपको मैं बीज बता रहा हूँ, पंतनगर यूनिवर्सिटी से निकाला गया है एक सीड C1, पंत C1, दूसरा IRI ने निकाला है पूसा ज्वाला। अच्छा पूसा ज्वाला, हाँ ये दोनों वैरायटी बहुत बढ़िया हैं, और इन दोनों वैरायटी के लिए देखिए आप पंतनगर यूनिवर्सिटी से तो ये आपका निकलता है जो आपको मिलेगा पूसा C1, और ये IRI से निकला हुआ है पूसा ज्वाला। ये आप भी किसी भी गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड दुकान से सील्ड पैकेट ले लेंगे तो आपका ये बहुत अच्छा रहेगा जी। इसका अप्रोक्स कितना, मतलब जैसे हमने एक एकड़ में डाला है तो इसका प्रोडक्शन कितना है, अप्रोक्स किसी ने निकाला तो होगा इसमें इतना प्रोडक्शन आ रहा है? देखिए ऐसा है, मैं आपको अलग अलग वैरायटीज का अलग अलग प्रोडक्शन है। पंत C1 जो है वो 90 क्विंटल पर हेक्टर हरी मिर्च देता है जी, और जो आपका जो है पूसा ज्वाला है जी, ये 70 क्विंटल पर हेक्टर देता है। और इसकी मतलब मिर्ची का शेप कैसा है, पतला है या मोटा वाला है? देखिए ये मिर्च जो हरी मिर्च होती है वो है ये। नहीं हरी मिर्च में एक तो पतली वाली आती है, एकदम से पतली। हाँ जी, थोड़ा मोटा वाला आती है। देखिए ऐसा है कि जो पूसा ज्वाला है जी, ये ना तो बहुत लंबी है ना बहुत मोटी है, मीडियम साइज की है जी जी जी। और ये पंत C1 जो है ये लंबी भी है और मोटी भी है जी जी जी। क्या कि जो भी किसान है वो क्या है ये चाहता है कि मेरी जो भी मिर्ची हो उसमें थोड़ा सा, उसको तो क्या है कि वजन अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या उसकी ज्यादा से ज्यादा सेल हो और उसको अच्छा अच्छा पैसा आए, अच्छा पैसा। हाँ तो देखिए अच्छा, जहाँ तक अच्छा पैसे की आप बात कर रहे हैं जी, तो देखिए एक मिर्च आती है अचार के लिए पिपरिका जी जी जी, वो 300 क्विंटल पर हेक्टर तक आपकी उपज देती है पिपरिका जी जी जी। और अचार के लिए इतनी ज्यादा उसकी सप्लाई होती है कि ढूंढे नहीं मिलती है ये जी जी जी। उसका क्या है नाम बताना? पिपरिका जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, राकेश जी से, जो कि वेस्ट बंगाल में रहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो, राकेश जी बात कर रहे हैं? जी बात कर रहे हैं। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी मैम। सर आपका सवाल आया था। जी जी मैम। जी सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल जी। मेरा सर सवाल डेयरी फार्म से रिलेटेड है, और 10 गाय डेयरी फार्म के लिए कितना जगह चाहिए और क्या क्या इसमें मतलब इम्प्लिकेशन आ सकता है अगर हम लोग बाहर से गाय मंगाते हैं तो? सर देखिए जो आपकी गाय की वैरायटीज है, जिसकी साहिवाल की आप बात कर रहे हैं, जी जी सर, तो साहिवाल भी है और अच्छा दूध देने वाली गाय है जी। इसके साथ साथ और भी गायें हैं, गिरी है आपकी, थार पारकर है, सिंधी है जी जी सर। अब दूसरी बात आती है कि आप इसको प्राप्त कहाँ से करेंगे जी जी सर। देखिए नियरेस्ट आपका इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटरनरी इंस्टीट्यूट, हाँ ये बिहार में भी है जी जी। तो वहाँ से आपको ये आप परचेज भी कर सकते हैं। इनका एक प्रोसेस होता है, ये साल में एक बार बछिया होती हैं उनको नीलाम करते हैं ये, ठीक है सर, बछियों को नीलाम करते हैं। तो अच्छे जो डेयरी चलाने वाले हैं उन बछियों को नीलामी में ले आते हैं और उनको पाल करके बड़ा करते हैं, और उसके बाद वो गायें जो हैं अच्छा दूध देती हैं। कि साहिवाल गाय तो आप पाले ही पालें जी, लेकिन आप जर्सी और गर्सी गाय जो है, जो विदेश की गाय हैं जी सर, इन गायों को भी लेकर के आए, और इन गायों को बाद में साहिवाल सार से क्रॉस करा करके जी सर, जो वैरायटी तैयार होगी वो साहिवाल की प्योर वैरायटी से कम नहीं होगी। दूसरा जो मेरा सवाल था सर, ये मेरा था कि मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, अभी ज्यादा बड़ा तो लैंड नहीं है, 1 एकड़ जमीन है जी। तो उसमें क्या इंटीग्रेटर अगर हम कुछ ट्राई करना चाहें तो इसके साथ क्या कर सकते हैं सर हम? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आपके पास 1 एकड़ जमीन है और आप डेयरी खोलना चाह रहे हैं जी सर, तो सबसे पहले तो उसमें से आपको चारे का प्रबंध करने के लिए जमीन एंगेज करनी पड़ेगी जी सर।
क्योंकि अगर आप डेयरी खोलेंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी सर, और चारा मोल लेकर के अगर आप डेयरी चलाएंगे तो आपको कभी भी फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा जी। तो इसलिए उसमें से आप क्रॉप रोटेशन बनाएं, बरसीम, चरी, रिजका, इस तरीके से क्रॉप रोटेशन में पूरे साल आपको जो है वो हरा चारा मिलता रहे, मिलता रहे जी। सर कोई और सवाल? थैंक यू वेरी मच जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रीन टीवी। ये सागौन के पेड़ लगाए हूँ जी, जी वो 25 साल के हो गए हैं। देखिए 25 साल का पेड़ हो चुका है जी, और उसकी मैं समझता हूँ कि उसकी बढ़वार भी अब पूरी हो गई होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो दोस्तों अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं समर जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो समर कुमार जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। पूछे अपना सवाल। ये ठीक सागौन के पेड़ लगाए हूँ जी, जी वो 25 साल के हो गए हैं, तो उनका तना जो है गोल होना चाहिए। अब तना उनका डिस्टेप हो रहा है, चौकोर हो जा रहा है, पतला उसमें से के ये हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें जी? देखिए 25 साल का पेड़ हो चुका है जी, और उसकी मैं समझता हूँ कि उसकी बढ़वार भी अब पूरी हो गई होगी जी। अच्छा हाँ, तो ऐसी अवस्था में अब वो जो है तना उसका जो है वो डेवलप कर रहा है। अच्छा हाँ, तो अब ऐसी अवस्था में वो कटने के योग्य हो चुका है। अच्छा सर, अच्छा हाँ सर, कोई और सवाल? ठीक है थैंक यू जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, राम अवतार जी से, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो राम अवतार जी बात कर रहे हैं? हाँ। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। सर आपका सवाल आया था। हाँ। जी सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। मैडम ये कह रहा था चने है ना, उसमें वो गेटी के जो फल लगता है उसमें वो लटे हो रखी है। देखिए चने में जो आपका कीट लग रहा है, तो इस समय चने की अवस्था क्या है? वो गेटियां आ रही है गेटियां। हाँ तो देखिए ऐसा है कि ये सूढ़ी होती है एक, हाँ जो चने की गिटरी के भीतर जाकर के उसके चने का जो मुलायम भाग होता है उसको पूरे खा लेता है। हाँ। तो इसके लिए आपको जो है एक रसायन मैं बता रहा हूँ, उसका छिड़काव करें। हाँ। मैलाथियान एक दवा आती है, और मैलाथियान ना मिले तो क्यूनालफास, क्यूनालफास हाँ, ये दोनों दवाइयाँ में से जो भी आपको एक दवाई मिल जाती है तो आप 3 लीटर 1000 लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर के लिए ये पर्याप्त होगी, आप इसका छिड़काव कर दें। और जो द्वारी बन खीर हो रखा है जानवरों को खिलाने वाली, चूंकि ये रिजका फसल है तो इसमें आप कोई रसायन इस्तेमाल ना करें। इसके लिए मैं आपको अलग से एक दवा बता रहा हूँ, वो ये है कि आप नीम की पत्ती ले लें। 10 किलो नीम की पत्ती को लेकर के आप 10 लीटर पानी में इसको अच्छी तरीके से उबालें। उबालने के बाद जब 5 लीटर रह जाए तो इसमें 1 किलो लहसुन को कुचल करके डाल दें, खूब अच्छी तरीके से पीस करके, और 200 ग्राम तंबाकू की डस्ट मिला करके रात भर रख दें। सुबह को इसको अच्छी तरीके से हाथ से खूब मलते जाएं और कपड़े से छान लें। उसको आप जो आपका 5 लीटर है इसको आप 50 लीटर पानी में मिला लें और मशीन से छिड़क दें। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर से और देंगे उनके सवालों के जवाब। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरे यहाँ आलू की फसल है जी, आलू की फसल में जो झुलसा रोग आ रहा है। हाँ तो देखिए ऐसा है, ये जो झुलसा रोग है
ये ऐसी कंडीशन में आता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में। दोस्तों अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, रामेंद्र जी से, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो रामेंद्र शर्मा जी बात कर रहे हैं जी आप? नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से जी। सर आपका सवाल आया था जी, आया था जी। सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरे यहाँ आलू की फसल है जी, तो आलू की फसल में जो झुलसा रोग आ रहा है उसके लिए कोई दवा वगैरह जी? हाँ तो देखिए ऐसा है, ये जो झुलसा रोग है जी, ये ऐसी कंडीशन में आता है जी, तो इसके लिए जो है आप एक दवा बता रहा हूँ, मैंगो जेब। मैंगो जेब को लेकर के आप ले लें आप 3 लीटर जी, और 1000 लीटर पानी में घोल लें जी, और उसका छिड़काव करें, और उससे पहले जो अच्छी तरीके से पूरी तरीके से जो ग्रसित हो गया है उसको ऊपर से उसकी पत्तियां डंठल से काट दें और उसको कहीं मिट्टी में दबा दें जी, जी। उसके बाद ये दवाई छिड़कें, क्योंकि झुलसा रोग जो है ये बहुत तेजी से फैलता है। हाँ जी, अभी मेरी फसल 75 दिन की हुई है ना जी, हाँ तो इस समय बहुत जरूरी है, जब मौसम खराब होता है तो अच्छे किसानों के लिए तो हम ये राय देते हैं कि मौसम खराब होते ही भले ही उसमें बीमारी ना लगी हो तब भी मैंगो जेब का एक छिड़काव कर दिया जाए जी सर, ताकि झुलसा रोग ना लगे जी सर। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। धन्यवाद मैडम। दोस्तों सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना सवाल हमसे पूछते हैं। हाल ही में हमारे साथ जुड़े थे मोहम्मद अख्तर जी यूएई से। सर ये यूएई में रहते हैं लेकिन खेती जो है वो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में करना चाहते हैं। ये आपसे जानना चाहते हैं शिमला मिर्च की खेती ये कैसे कर सकते हैं, साथ ही में ये शकरकंद की खेती कैसे कर सकते हैं। देखिए शकरकंद की खेती जो है वो दो तरीके से की जाती है जी, कंद से भी नर्सरी तैयार करके की जाती है, और जब हम शकरकंद पक जाती है जी, और पकने के बाद जब उसकी हम खुदाई करते हैं जी, तो उसके बाद जो बेल हमारी रह जाती है उस बेल को हम पुनः सुरक्षित उसको रख लेते हैं फिर से जमीन में, और उसके बाद जब हम बुवाई का समय हमारा होता है उस समय इसकी जो है हम लताओं को काट करके और हम लगाते हैं, तो 1 हेक्टर में 84,000 लताएं की हमको लगाने की आवश्यकता पड़ती है जी। और अगर हम जो है वो कंद लगाते हैं तो कंद लगाने के लिए हमको ये करना है कि लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए जी। और लताएं अगर लगाते हैं तो लताओं को क्या करते हैं कि 1 मीटर की लता होती है जी, तो उस लता का हम मिट्टी में दबाते हैं और मिट्टी में दबा करके छोड़ देते हैं, तो उसमें से फिर बाद में कलर निकलने शुरू हो जाते हैं जी। इसकी जो वैराइटीज हैं वैज्ञानिकों ने खासकर इसमें बिहार में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, क्योंकि ये बिहार का एक मुख्य भोजन है जी, और उसमें है क्या कि विटामिन ए की बहुत कमी होती है बिहार में, तो ये सुनहरी शकरकंद करके एक वैरायटी निकाली है जिसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होती है और इसका गूदा जो है पीला या नारंगी रंग का होता है जी। उसके बाद ये श्री कनका और गौरी दो वैरायटी और निकाली गई हैं, जिसमें गौरी है इसमें कैरोटीन बहुत होता है और 110 से लेकर के 112 दिन में ये पक्के तैयार हो जाती है जी। अच्छा इसकी उपज भी जो है 20 से 25 टन पर हेक्टर होती है जी। और इसके बाद हमारी ST13 और ST14 भी ये वैरायटी निकाली गई है जी। अच्छा इसका भी ये है कि 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन इसकी उपज जो है 15 से 20 टन पर हेक्टर ही है जी। जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले भूमि की तैयारी करते समय 300 से 350 क्विंटल पर हेक्टर तो भूमि की तैयारी में गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद डालें, और 60 किलो नाइट्रोजन और हमारा 80 किलो फास्फेट और 40 किलो पोटास भी इसमें भूमि की तैयारी करते समय डालने के बाद
तब हम इसकी जो है कंदों की या तो कंद के नर्सरी जो तैयार की है उसे लगाएं या फिर लताओं को लगाएं। अब बात आती है किसकी, शिमला मिर्च की। तो शिमला मिर्च में, शिमला मिर्च करने पर देखिए साल में दो बार हम यहाँ कर सकते हैं अम्बेडकर नगर में। एक तो आप जुलाई जो हमारा खरीफ का सीजन होता है जुलाई अगस्त और सितंबर तक हम लगा सकते हैं, जुलाई से सितंबर तक इसकी नर्सरी के बाद हम रोपाई कर सकते हैं। और दूसरा फिर हम जायद में जो फरवरी मार्च में हम करते हैं। वैरायटी का इसमें विशेष जो है योगदान है, जिसमें पहली वैरायटी है कैलिफोर्निया बंडर और दूसरी वैरायटी है पूसा दीप्त। ये पूसा दीप्त जो है वो पूसा इंस्टीट्यूट से जो IRI नई दिल्ली है इस यहाँ से निकाली गई है और ये 300 क्विंटल पर हेक्टर तक उपज दे देती है। इसी तरीके से एक और वैरायटी है पिपरिका जो अचार में विशेषकर अचार के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये 300 से 350 क्विंटल पर हेक्टर तक उपज देती है। जी सर, आपने पेपरिका कहा, जो पीली वाली और लाल वाली जो शिमला मिर्च होती है, लाल वाली शिमला मिर्च जो है वो पेपरिका है जी। और उसके बाद ये कैलिफोर्निया बंडर है, ये क्या है, ये बिल्कुल हरी रंग की होती है और इसका आकार भी बहुत बड़ा होता है और ये उतनी उपज नहीं देती है लेकिन 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टर उपज देती है जी। तो मोहम्मद अख्तर जी, आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। हमसे जुड़ने के लिए और ये सवाल हमसे पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे सभी कॉलर्स को, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और ये तमाम जानकारी आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आपका भी है कोई सवाल तो देर किस बात की, तुरंत अपना फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप अपना खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए हर सवाल हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन TV। नमस्ते।